हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप में शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजेहम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के विकार कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतामीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतो आम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है और जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा गले में सर्प सुशोभित है। तुषारा दृशंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रुपटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चंद का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्न नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।
प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों का निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी जी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रैशूल निरमूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। नमामि कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए प्रसन्न हो जाइए। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद ता पुरारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और उनके अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। नयावतुमानाथ पादारविंदम भजंती है लो के परे वानराणा नतावसुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्व भूता दिवासं। ना तो योग जानता हूँ ना जप और ना पूजा ही हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म के दुखों के समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यं जरा जन्म दुखोघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। शमीशान निर्वाण रूपम विभ्न व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।